की डीसी न्यूज से खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। खजरी मोहल्ले के अंकुरा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पथरिया में युवक पर पत्थर पटक कर हत्या। गांव में होली की तैयारियां जोरों पर। गौ माता को राष्ट्र माता किया जाए घोषित, दिया गया ज्ञापन। ये थी दिनभर की कुछ खास खबरें, खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे खजरी मोहल्ले की, जहां पर एक बड़ा हत्याकांड सामने आया था। अंकुराय नाम के युवक की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस के द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित कर मामले का खुलासा किया। दमन नगर कोतवाली अंतर्गत दमन नगर के खजरी मोहल्ले में एक हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें अंकुराय नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई थी। काफी भीवश तरीके से हत्या की गई थी। इस मामले को लेकर पुलिस के द्वारा FIR दर्ज की थी। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की गई, दो आरोपियों को पकड़ लिया गया है। बताया जाता है कि यहां पर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद अंकुराय को छत से नीचे फेंका गया। बाद में उसके सिर के ऊपर सिलेंडर भी पटका गया। पुलिस के द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। दो आरोपियों को जेल पहुँचा दिया गया है। संपूर्ण मामले में घटनाक्रम का और भी विस्तृत जांच किया जा रहा है। दमोह पुलिस अधीक्षक शुद्ध कीर्ति सोमवंशी के द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई और बताया गया कि मामले में अभी दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामला बेहद गंभीर था। इस संबंध में द्वारा क्या जानकारी दी गई, आइए सुनते हैं। उसको मौके पर पहुंचकर हमारी टीम ने अभी विवेचना में लिया और उसमें एक मर्ग पंजीबद्ध किया था। पूरे मामले की विवेचना में और आगे की इन्वेस्टिगेशन को जारी रखते हुए हमारी टीम ने ये उसमें इशू क्रिएट किया कि एक व्यक्ति है जिसकी हत्या अंकु और अंकेश राय के रूप में पहचान होने के बाद दो युवक जो इसमें आरोपी हैं उनकी पदासदी शुरू की गई। पूरा मामला इस प्रकार से था कि अंकु अपने पड़ोस के ही एक घर की छत पर रात में अनधिकृत रूप से पाया गया था और उन दो लड़कों ने जो वहां के रहने वाले थे उन्होंने उसको छत पर देखा। उनका किसी बात पर वहां झगड़ा हुआ उससे और झगड़े में उन लोगों ने उससे मारपीट की और उसको छत से ही फेंक दिया नीचे। इस प्रकार से वो उसको काफी गहरी चोट आई और वो जमीन पे काफी देर तक पड़ा रहा और गुस्से में जो इसमें मुख्य आरोपी हैं शोभित और शुभम इन लोगों ने जो घर में सिलेंडर होता है उसकी मदद से उसके सर पे चोट कारित की जिससे उसके सर पे गंभीर चोट लगी है और उसकी वहीं पर उसकी मौत हो गई। हमारी टीम ने फोरेंसिक की जाँच करवाते हुए और तमाम सभी जितने भी पहले होते हैं उनको जाँच में देखते हुए इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 302 मुकदमा दर्ज किया गया है। इन दोनों के बयान भी पूरे हो चुके हैं और इस पूरी घटना में इन दोनों के बयान से प्राप्त जितने भी तथ्य हैं उनकी विवेचना अभी जारी है और आगे की विवेचना में अगर इसमें कोई तथ्य शामिल होता है तो उसको हम लोग केस में शामिल करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में जो प्राइम सस्पेक्ट थे यही दोनों थे और उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, इनकी मारपीट पहले घर पे हुई है, उसके बाद उन लोगों ने वहां से इसको रोड पर फेंक दिया और फिर तो वहां नीचे आकर भी उसको सिलेंडर से मारा था। जो अभी फिलहाल इन लोग की इन्वेस्टिगेशन और उनकी पूछताछ में सामने आया है कि वो लड़का उनकी छत पर अनधिकृत रूप से पाया गया था और इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ और उसके बाद इन लोगों ने वहीं पर उसको मारपीट की, जो कि छत पर भी कुछ खून के डब्बे हमें मिले थे जिनको हमने फोरेंसिकली इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया है और उसके बाद उन लोगों ने उसको जमीन पे फेंक दिया था। घटना कारित करने के बाद ये आरोपी भागे हैं। घटना कारित करते समय ये लोग वहां पर मौजूद थे। उसके बाद ये लोग पहले हम लोग को जो सूचनार्थ बहुत सारे हमारे मुखबिर हैं उनसे पता लगा कि इनकी लोकेशन सागर में है। उसके बाद इनको हमने ललितपुर से अप्रहेंड किया था
साथ में इनके जो इनको सहायता करने वाले हैं उनके भी हम जांच कर रहे हैं कि उनकी सहायता किस एक्सटेंट थी और अपराध में किस श्रेणी तक वो शामिल किया सकती है, तो अभी विवेचना का विषय है। आगे आने वाले टाइम में उस पर भी हम लोग विचार करके निर्णय ले लेंगे। मामले थे दर्ज, इसके अलावा इसकी वैसे भी जो लोकल सूचना संकलन समय सूचना प्राप्त हुई थी उसमें मोहल्ले में इसकी शोहरत अच्छी नहीं थी व्यक्ति की, इस संबंध में भी हमें सूचना मिली थी। उसके अलावा और ऐसा कोई बहुत गंभीर मामला नहीं था। मौके से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सिलेंडर जो है वो घर में ही छिपा गए थे, बाकी कुछ और भी साक्ष्य इसमें वहीं मौके से बरामद हुए हैं जो इन्वेस्टिगेशन में इम्पोर्टेंट साबित हुए हैं। सर ऐसी सूचना मिली थी कि जो मर्द जिन्होंने किया है उन्होंने किसी को फोन किया और उसमें भी ये बात आई है कि हमने हत्या कर दी है, क्या सच है? कॉल डिटेल्स की एनालिसिस अभी शामिल नहीं की गई है इसमें, नो डाउट की कॉल से जो बातें हुई है सभी साक्ष्य अवेलेबल नहीं है, लेकिन कॉल की टाइमिंग और बाकी चीजों को हम जो भी टेक्निकल एनालिसिस में शामिल कर सकते हैं उनको शामिल करेंगे इसमें। सर आई विटनेस के रूप में इसमें जो जिस व्यक्ति द्वारा पहले इन लोगों से बात की गई थी उसने ये सूचना दी है, आई विटनेस के रूप में तो उसका भी शामिल नहीं किया है, लेकिन इन लोगों के वहाँ होने की सूचना के संबंध में हमारे पास एक साक्ष्य है जो ये बता रहा है कि ये वहाँ पर मौजूद है। मेरे पास और भी साक्ष्य मिले हैं, हमें हम दोनों को मैच कराकर ही किसी तथ्य पर पहुंचेंगे और उसको विवेचना में शामिल करेंगे। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद दमोह जिले में तीसरी हत्या कर दी गई है। पिछले 15 दिनों की बात की जाए तो चौथी हत्या सामने आई है। अपराधी बेखौफ हो चले हैं जिन्हें कानून का कोई डर नहीं है। पथरिया थाना अंतर्गत एक और हत्या का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि पथरिया थाना अंतर्गत सेमरा लोधी में मुन्ना अहरवाल नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। सिर पर पत्थर पटक कर यह हत्या की गई है। हत्या करने के बाद हत्यारा मौके से फरार हो गया है। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। पथरिया थाना प्रभारी सुधीर कुमार बेगी एवं SDOP रघु केसरी स्वयं मौके पर बताए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से एक वृद्ध की हत्या कर दी गई है, अधेड़ उम्र की व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, मोहन्ना अहरवाल नाम के व्यक्ति की हत्या की गई है। खास बात है कि 15 दिन में जो भी हत्याएं हुई हैं वो SC ST वर्ग के लोगों की हत्याएं हुई हैं। काफ़ी गंभीर मामला है, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपी को ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। कब तक आरोपी पकड़ा जाएगा ये कहना भी मुश्किल है, लेकिन पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी है। एक और हत्या होने से काफ़ी सनसनी है। वहीं लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां की जा रही हैं, पुलिस के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं तो और भी अधिक सख्त कदम उठाने की आवश्यकता नजर आ रही है। ये सुबह पुलिस को अर्ली मॉर्निंग सूचना मिली थी कि ग्राम सेमरा लोधी थाना पथरिया में एक व्यक्ति की पत्थर द्वारा उसको चोट पहुंचाकर हत्या की गई है। इनका मृतक का नाम मुन्ना अहिरवार है। इनकी उम्र 40 से 50 के बीच में है। इनके परिवार से भी संपर्क किया गया है और अभी उसमें पुलिस जो है विवेचना कर रही है। उसमें कुछ संदेहियों के नाम भी सामने आए हैं। शाम को जिनके साथ इनका बैठना हुआ था उसमें उनसे पूछताछ चल रही है और जल्दी इसमें मुझे आशा है कि हम लोग इसमें मुख्य आरोपी को पकड़ लेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए सूचना जारी लगातार पुलिस सतर्क नजर आ रही है, मुस्तैदी कर रही है और एक पिछले 4 दिनों में तीसरी हत्या हो गई तो आगामी समय में अपराध बेखौफ न हो सके क्या? दरअसल हत्या के जो अपराध हुए हैं उसमें मोस्टली जो है वो शराब के नशे में हुए हैं या पारिवारिक किसी विवाद की वजह से हुए हैं, जिसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो उसका चुनाव से या कोई ऐसे किसी अपराध से कोई संबंध नहीं है। पारिवारिक रूप से इस तरह के झगड़ों में और ऐसे शराब के सेवन के बाद के झगड़ों में इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। इस संबंध में हम लोग का प्रयास ये रहता है कि इस तरह की घटनाओं में जो आरोपी हैं उनको जल्दी जल्दी पकड़ा जाए ताकि कानून व्यवस्था पर कोई सवाली निशान ना हो और बाकी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो सुदृढ़ बनी रहे।
तो होपफुली हम लोगों ने अभी जितने भी पिछले कुछ दिन में केसेस हुए हैं उनको तुरंत ही हम लोगों ने क्रैक भी कर लिया है। कुछ एक पेंडिंग केसेस हैं जिसको हम लोग आई एम श्योर कि अगले एक हफ्ते में भी क्रैक कर लेंगे। होली का पर्व संपूर्ण देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दमोह में भी ये पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी तैयारियां अंतिम चरण में है, जहां होलिका की प्रतिमाएं अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। रविवार के दिन होलिका दहन होगा और उसके बाद रंगों का ये उत्सव प्रारंभ हो जाता है। दमोह शहर में अनेक मूर्तिकारों के द्वारा ये मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। अलग अलग तरीके से ये मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। काफ़ी कुछ डिज़ाइन भी आजकल आधुनिक रूप में भी होलिका नज़र आने लगी हैं। दमोह में दमोह के अलग अलग स्थानों पर ये होलिकाएँ बनाई जा रही हैं। काफ़ी सुंदर और आकर्षक होलिकाएँ होती हैं। इसके पीछे की कहानी भी बच्चों को सुनाई जाती है, ताकि बच्चे जान सकें कि हमारा धर्म क्या है, और साथ ही धर्म अधर्म के बीच का जो फर्क होता है उसका ज्ञान उन्हें कराया जाता है। बाल कलाकार भी लगातार मूर्तियों को अंतिम रूप दे रहे हैं, अपनी अपनी जो कला है उसे और अधिक निखार रहे हैं। इस संबंध में मूर्तिकारों से चर्चा की। ये कैसा है इस बार का आप लोगों का क्या साल की इच्छा? उसी सरकार से काम चल रहा है अपना, मूर्तियाँ भी बन रही हैं, बच्चे लेने भी जा रहे हैं। सब कमर रखने के लिए अपन रेट वो ही नहीं ले सकते जो हम बताते, क्योंकि वो लोग बोलते अंकल कम कर लो, तो उनको कम भी करना पड़ता। उनका चंदा वगैरह किया किसी ने नहीं किया, बच्चे उनका मन रखने के लिए अपन मूर्तियाँ देते हैं। कितने कितने रेट की मूर्तियाँ हैं? 200 रुपये की देखे, 300 रुपये की, बड़ी साइज की है 1100। किसके डिजाइन में मूर्ति बनाई है? मॉडर्न जमाना के हिसाब से मूर्तियाँ मानते हैं। अब जैसे एक मूर्ति राक्षसनी के हिसाब से बनती है, अब कोई मतलब हीरोइन के हिसाब से बनती है। पिछले वर्ष अनुसार इस वर्ष कैसा है आपका सीजन? नहीं, बढ़िया है, उसी टाइप से है सब। मतलब थोड़ा महंगाई का असर पड़ता है मार्केट में, अपन को कोई चीज़ महंगी मिलती तो अपन ग्राहकों को महंगी लगाते हैं, तो बोलते महंगी दे रहा है, तो उनका मन रखने के लिए अपन कम करके लगा दे, क्योंकि चलो बच्चों के त्यौहार मनाने दो, अपना तो सीजन है तो कवर कर। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, इसको लेकर एक आंदोलन चलाया जा रहा है। जहां एक विशाल रैली का आयोजन भी चल रहा है, तो वहीं पदयात्राएं भी निकाली जा रही हैं। तहसील स्तर पर एक ज्ञापन सौंपा गया, दमोह कलेक्ट्रेट में एक ज्ञापन सौंपा गया और कार्रवाई की मांग की गई। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग रखी गई। विस्तार से इस संबंध में मनोज देवरिया के द्वारा जानकारी दी गई। ज्ञापन दिया है आज कलेक्टर महोदय के लिए, ज्ञापन दिया है माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से, कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। इस प्रकार परम पूज्य श्री श्री 1008 जगत गुरु शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज के द्वारा लगातार 13 तारीख से गौ पद यात्रा मथुरा से प्रारंभ होकर दिल्ली माननीय राष्ट्रपति महोदय से मिलने जा रही है, और परम पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार मध्य प्रदेश के प्रत्येक तहसील और जिला स्तर पर आज ज्ञापन का कार्यक्रम था। उसी विषय को लेकर हम लोग गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए आज दमोह के कलेक्ट्रेट ऑफिस में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है। आज सभी गौ भक्तों ने निर्णय किया था कि हम लोग बृहद संख्या में आकर यहाँ ज्ञापन देंगे, और वर्तमान में आचार संहिता लगी होने के कारण शासन की न्याय को देखते हुए हम लोगों ने कम संख्या में आकर यह ज्ञापन दिया। हमारी सभी सनातनी हिंदू भाइयों की ये मांग है कि गौ हत्या लगातार निरंतर हो रही है, गौ हत्या के रोकने के लिए व्यापक प्रयास जो हो रहे हैं वो कम है, इसलिए
भारत देश में रहते हुए भारत माता को गौ माता राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए तो इस पर अंकुश लग सकता है। तो हम लोग ने समस्त हिंदू भाइयों ने आज कलेक्ट्रेट परिषद में राष्ट्रपति जी के नाम पे ज्ञापन सौंपा है कि गौ माता को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। संजय सरवरिया, लखीड़ीसिया न्यूज, दमोह। दमोह देहात थाने के जलपुर नाका चौकी अंतर्गत आम चौपरा में एक चोरी का मामला सामने आया। प्रतीक माहेश्वरी के घर पर यह चोरी की वारदात हुई है। बताया जाता है कि चोरों के द्वारा कुछ भी नहीं छोड़ा गया, जो भी इनके घर में सामान था तमाम सामान को चोरों के द्वारा निशाना बनाया गया। खास बात यह कि गैस सिलेंडर एवं गैस चूल्हा आदि भी चोर चुरा कर ले गए, लेकिन पड़ोसियों तक को भनक नहीं लगी। मोहल्ले में किसी ने नहीं देखा कि किसके द्वारा ये चोरी की घटना घटित की गई है। काफ़ी बड़ी घटना घटित की गई है। हम आपको बता दें कि नगर पालिका में जो कर्मचारी पदस्थ हैं सपन मिश्रा, उनके परिवार के सदस्यों का ये घर है जहाँ पर चोरी की वारदात घटित हुई है। लाखों रुपए का चोर सामान चुरा कर ले गए हैं। काफ़ी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। अब घर में कुछ भी सामग्री शेष नहीं है, खाने पीने की सामग्री भी चोर चुरा कर ले गए हैं। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई थी, पुलिस के द्वारा FIR दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। किस तरह से घटना घटित हुई है, क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। किस जगह रहती है, क्या हुआ है? मेरा नाम शिल्पी माहेश्वरी है, मैं आम चौपरा में रहती हूँ, सामुदायिक भवन के पीछे। मेरे बेटे की तबीयत खराब थी, उसे यूरिन इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से मैं अपने पिताजी के घर पे थी। और मतलब जब हम लोग पिताजी के घर पे थे, जब वहाँ से हम लोग आए तो नाइट वहीं रुकना पड़ा हमें, क्योंकि इसकी ज्यादा तबीयत खराब थी मेरे बेटे की। जब हम वहाँ से मतलब आए सुबह घर, सुबह जब हमने घर का ताला ज्यों का त्यों लगा था, सब कुछ वैसे ही था। जब हमने ताला खोला तो ताला पूरा टूटा हुआ था, बाहर का ताला, अंदर का ताला। जब हम अंदर आए तो पूरा सामान अस्त व्यस्त मिला हमारे लिए। हमारे जब घर में हमने देखा तो पूरे में हमारे जो मतलब मेरे मंगलसूत्र, दो अंगूठी और मतलब 40,000 रुपए जो नगद पड़ा था मेरे पास, वो गैस सिलेंडर मेरा, तेल का कुप्पा, घी और काजू किशमिश, और मतलब क्या, दो फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन, और क्या बोलते, जो मेरे पास और जो ज्वेलरी जो मेरी पड़ी हुई थी वो सब चोर उठाकर ले गए। कब की बात है ये? शुक्रवार रात की बात है। नाम है आपका? नाम प्रतीक माहेश्वरी है। हम लोग शुक्रवार रात को बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी तो अपने पापा के घर पे रुके थे। जब सुबह हम आए तो देखा तो ताला लगे हुए थे और कुंडा पूरे दोनों के टूटे हुए थे। फिर जब घर में हम लोग आए हैं अंदर तो पूरा सामान अस्त व्यस्त जला था, तो फिर सीधा हमने थाने में जाकर रिपोर्ट करवाई और आगे कार्यवाही करी। क्या क्या सामान चला गया आपका? सामान में तो दो फ्रिज गए हैं, एक वॉशिंग मशीन गई है और सोना चांदी भी गए हैं, जेवरात वगैरह, टीवी निकाल ले गए दीवार से लगी हुई। लगभग कितने लाख की चोरी हो गई, सामान और कैश और सोना मिला के? 1,00,000 करीब। देखने लायक होगा कब तक चोर पकड़े जाते हैं। संजय सरवरिया, लखीड़ीसिया न्यूज, दमोह। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत आज दमोह में कलश यात्रा निकाली गई। महिलाओं के द्वारा ये कलश यात्रा निकाली गई जिसमें कई मंडलियां भी शामिल रही। लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये संपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अधिक से अधिक मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करें, मताधिकार का प्रयोग करें, लोग घरों से निकलें, वोट डालने जाएं ताकि मतदान का प्रतिशत अच्छा रहे। साथ ही ये सरकार जो है वो आम आदमी की सरकार हो सके, उनका चुना हुआ जनप्रतिनिधि हो सके, इसके लिए लगातार लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से
राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश हैं कि अधिक से अधिक स्वीप प्लान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया जाए, सबसे पहले वोट दो, सारे काम छोड़ दो लगातार स्लोगन को महिलाओं के द्वारा दिखाया गया। शहर के मुख्य मार्गों से ये रैली गुजरी। दमोह के मानस भवन से घंटा घर तक ये कलश यात्रा निकाली गई, रैली निकाली गई, जिसमें दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर एवं स्वीप प्लान अधिकारी अर्पित वर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। इस संबंध में हमने उनसे चर्चा भी की। स्वागत है अभिनंदन है, स्वागत है अभिनंदन है, स्वागत है सबको वंदन है, वंदन है अभिनंदन है। क्या उद्देश्य रहता है सर इसका? जैसा कि आप सबको विजय देगी 26 अप्रैल को दमोह में लोकसभा निर्वाचन 2024 का मतदान है, तो इसी के साथ में लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों से अपील करने के लिए कि वो अपने मत का महत्व समझें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आकर अपने मतदान का प्रयोग करें। हम लोगों ने एक कलश यात्रा निकाली है जिसमें अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और ये महिलाएँ ये संदेश दे रही हैं दमोह वासियों को कि आप लोग 26 अप्रैल को अपने मतदान के अधिकार का उपयोग अवश्य करें। क्या उद्देश्य है सर? और क्या जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा निर्वाचन 2024 निकट आता जा रहा है, और हमारे दमोह लोकसभा क्षेत्र के मतदाता भाई बहन सभी अधिक से अधिक मात्रा में अपने घरों से निकलें और वोट करें, मतदान करें। ये उद्देश्य निर्वाचन आयोग का भी है और ये उद्देश्य जिला प्रशासन का भी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निरंतर हमारे द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले भारत का नक्शा बनाया गया था और उसका ड्रोन फोटोग्राफी वगैरह की गई थी, और लगातार इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमने आज ये कलश यात्रा का आयोजन किया है, जिसमें आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में हमारी महिलाएं, यहाँ की आदरणीय महिलाएं हैं सब, और वो सभी से अपील कर रही हैं कि सभी लोग अधिक से अधिक मात्रा में वोट डालें। तो भारत बेसिकली संस्कृति, परंपरा, कलाओं का एक समुच्चय है, और यहाँ इन माध्यमों से, इन सांस्कृतिक और कलात्मक माध्यमों से यदि हम कोई हम संवाद करते हैं लोगों से, तो ये सीधे मैसेज लोगों तक पहुँचता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक टीम भी साथ में चल रही है जो कि बुंदेली भाषा में गीत गा रही है निर्वाचन के लिए लोगों को जागरूक करने का। तो इसी दिशा में हमने प्रयास किया है, जिसमें एक बड़ी भूमिका हमारे सीओ जिला पंचायत की, क्योंकि इन्होंने ये स्वीप प्लान के प्रभारी और इन्हीं के मार्गदर्शन में ये इन्होंने पूरा किया है। इनको मैं बधाई देता हूँ और इस अच्छे आयोजन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा अंतर्गत एक मामला सामने आया है। तेंदुखेड़ा के वार्ड नंबर 9 में बीती रात अज्ञात कारणों के चलते 2 दुकानों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोगों को जानकारी लगी तो पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के द्वारा मामले में जाँच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि पहले एक दुकान में आग लगी, बाद में आग जो थी वो बढ़ती चली गई, दूसरी दुकान में भी आग लगी। स्थानीय लोगों के द्वारा लगातार इस आग को बुझाने के प्रयास किए गए, काफ़ी भीषण आग देखी गई। बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, पुलिस के द्वारा इस आग पर काबू करने का प्रयास किया गया। बताया गया है कि यहां पर वाद्य यंत्रों का सुधार कार होता था, जिसके चलते ये आग तेज़ी से फैल गई। इसके अलावा एक अन्य दुकान में भी ये आग लगी है, जो राहुल चौक से की बताई जा रही है। उनकी भी दुकान में काफ़ी नुकसान हुआ था, दोनों दुकानों में लगभग 4 लाख रुपए से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। LED प्रिंटर सहित कंप्यूटर आदि जल गया है। तेंदुखेड़ा की ये तस्वीरें जहां 2 दुकानों में भीषण आग लगी है।
तेंदुखेड़ा से विशाल रजक के साथ सोनू यादव की रिपोर्ट। टाइम्स स्कूल दमो का आज बाहर से एक परिणाम आया जिसके चलते बच्चों को गिफ्ट बांटे गए क्योंकि बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। 100% यहां का रिजल्ट रहा है। इस संबंध में कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं सुशील गुप्ता उनके द्वारा अपनी बात रखी गई। हमारे शिक्षक हम साल भर देखते हैं कि हर एक क्लास का टीचर्स इन बच्चों के साथ में बहुत अच्छा करने का प्रयास करता है और अपने परिणाम में सक्सेस भी होता है। सारे टीचर्स को भी बहुत बहुत बधाई। हमारे स्कूल के प्रचार महोदय मिश्रा जी जो कि सभी टीचर्स को कुछ नया सिखाते रहते हैं और बच्चे भी उनसे बहुत अटैच हैं। हमारे प्रिंसिपल सर को भी बहुत बहुत बधाई। उन्हें सभी अभिभावकों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई। एक छोटा सा निवेदन मैं विशेष रूप से अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि जब हम समय समय पर कुछ गतिविधियाँ करते हैं उसमें अभिभावकों को भी आमंत्रित करते हैं क्योंकि आप समय अवश्य दें क्योंकि हम बच्चों के माध्यम से आपके पास जो मैसेज पहुँचाते हैं कई बार पूरा नहीं पहुँचता है। विशेष रूप से कई बदलाव जो हम करना चाहते हैं कुछ चेंजेस होते हैं जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी समय चल रही है उसमें हम अपेक्षा करते हैं कि पेरेंट्स जो मीटिंग निर्धारित करते हैं मीटिंग में जरूर से आए। मैं समझता हूँ कि अभी जो फाइनल ईयर फाइनल रिजल्ट की मीटिंग्स रहती है उसमें तो पेरेंट्स की संख्या सर्वाधिक दिखती है लेकिन बीच बीच में जो पीटीएम होती है उसमें बहुत से पेरेंट्स के कुछ कारण रहते हैं कि वो बाहर हैं नहीं आ पा रहे हैं कोई जरूरी काम है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पेरेंट्स जब जब स्कूल मैनेजमेंट आपको बुलाता आमंत्रित करता है कृपया समय अवश्य उन्हें सभी छात्र छात्राओं को विशेष रूप से उन सब फर्स्ट रैंक वाले बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने इतनी कम एज में कुछ अर्जित किया है और माँ बाप के लिए भी हेल्प कर रहे हैं। उन्हें सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई। दमो के सिविल वार्ड में संगीतमय श्रीमद भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इस कथा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। श्री ठाकुर जी की सखियां हैं बताइए आनंद लीजिए। जीवात्मा परमात्मा का मिलन ही महाराज है तो आप सभी जीवात्मा हैं, परमात्मा श्री कृष्ण हैं, इसलिए ये संसार का रास नहीं है। संसार का तो रक्त नाच होता है। ठाकुर जी के भवन में क्या होता है महाराज होता है। तो हम सभी भगवान की सखी हैं इसलिए जीवात्मा का आज परमात्मा से मिलन है आनंद है इसलिए झूमते हुए ठाकुर जी का बड़े सुंदर सा वृंदावन आ गई। हाँ वृंदावन आ गई।
की दिनियों भोली नारी बन के बिज की नारी वृंदावन आ गई कथा सुनकर भक्त भाव विभोर नजर आ रहे हैं। भगवान की अमृतमयी कथाओं का रसपान भक्तों को कराया जा रहा है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। खजरी मोहल्ले के अंकुरा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पथरिया में युवक पर पत्थर पटक कर हत्या। दो में होली की तैयारियां जोरों पर। गौ माता को राष्ट्र माता किया जाए घोषित, दिया क्या क्या पर। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।